हेलो एवरीवन, चटाकर रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी आ रही है, हम सभी के घरों में पाक तो बनता ही है, पर चटाकर रसोई में आज हम मेवा पाक नहीं बल्कि अरबी से पाक बनाएंगे। आपको विश्वास नहीं हुआ ना? जी हाँ, पर आज हम बनाएंगे अरबी से पाक। तो यहाँ मैंने ये ली है थोड़ी मोटी अरबी और इनको हमने छील लिया है, और छीलने के बाद हमें अरबी के चिप्स बनाने हैं। जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं ना, उस तरह से हमें अरबी को घिसना है और चिप्स बनाने हैं उसके पतले पतले। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप पहले चिप्स बना लीजिए। चिप्स जितना पतला होगा उतना क्रिस्पी बनेगा। तो आप पहले सबसे पहले चिप्स तैयार करिए। ये जो पाग है ना, बिल्कुल खाने में मेवा पाक जैसा लगता है, बल्कि उसको भी मात देता है। तो आप अगर इस रेसिपी को पूरा देखेंगे ना, तो आप देखते ही बनाने के लिए इसे किचन में दौड़ेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने अरबी के सारे चिप्स तैयार कर लिए हैं, और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे कि ये इनमें जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल सूख जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने पहले से ही अरबी के कुछ चिप्स बनाकर रखे थे, जिन्हें पंखे की हवा में सुखा लिया था। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो देसी घी में भी ये काम कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। और अब हम इन चिप्स को तल लेंगे। हमें तब तक तलना है इन चिप्स को जब तक कि ये बिल्कुल करारे और कुरकुरे ना हो जाएं। जैसे कि बाज़ार से आलू वाले चिप्स आते हैं ना, उसकी तरह हमें इन्हें कुरकुरा करना है। ये देखिए, तलने के बाद चिप्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और इस तरह से सारे चिप्स आप पहले तल लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं ये। ये देखिए, एकदम हाथ से क्रश करने पर ये ऐसे टूट रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको चिप्स तैयार करने हैं। सबसे मेन पार्ट है पाक का ये, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इन्हें पीस लेंगे। ये देखिए, अरबी के जो चिप्स थे उन्हें पीसने के बाद वो इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से आपको सारे चिप्स मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके निकाल लेने हैं। और अब हम उसके बाद बहुत ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे। बिल्कुल मैंने यहाँ सिर्फ 5 से 6 बादाम लिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं मैंने बीच में से काट दिया है। और अब मैं उन्हें घी में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, सिर्फ 5-6 बादाम हैं और 5-6 काजू हैं, इन्हें मैंने घी में फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस पाक में मेवा भी हम कितनी कम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, काजू भी हमारे तैयार हैं। और एक कटोरी मैंने यहाँ लिए हैं मखाने। मखाने से इस पाक की थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी आता है। तो ये देखिए, मखाने भूनने के बाद हमने इन्हें भी मिक्सी में पीस लिया है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई में 1 कप चीनी। 1 कप चीनी में मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। ये चाशनी के लिए मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ। 1 कप चीनी है तो 1/2 कप पानी आपको लेना है। और डालने के बाद आप इसे चीनी को बिल्कुल मेल्ट करिए, चाशनी की तरह थोड़ा सा थिक करना है आपको इसे। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ इसमें थोड़ी सी केसर कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। कलर तो आएगा ही और केसर का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, थोड़ी देर में ये केसर का कलर भी इसमें आ चुका है। और अब हमने लिया है 200 ग्राम मावा। मावा हमने इसमें ऐड कर दिया है, और मावा को बिल्कुल हम अच्छे से चाशनी के साथ बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे, जिससे कि वो बिल्कुल चाशनी के साथ मिक्स हो जाए। आप इसे लगातार चलाते रहिए। ये देखिए, बिल्कुल खोआ जो है हमारा वो चाशनी के साथ मिक्स हो चुका है। और अब बस ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी तो हमारा पाक टाइट हो जाएगा। इसलिए अब बस हम इसमें जो हमने अरबी को पीसा था वो हम सबसे पहले ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें सारी मेवा जो थी हमारी वो भी धीरे धीरे ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, और ये जो हमारे मखाने थे भुने हुए वो मैंने ग्राइंड कर लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इन चीज़ों को डालने के बाद आप इसे लगातार चलाइए, जिससे कि जल्दी से ये चाशनी के साथ मिक्स हो जाए सारा। और गैस का फ्लेम जल्दी से ऑफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर आप अगर इसे कुक करेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा रखने के बाद। ये देखिए, बस पाग हमारा बिल्कुल तैयार है।
अब हम एक प्लेट पर हल्का सा घी लगाकर ये जो सारा हमारा पाक का मिक्सचर है इसको निकाल लेंगे, और इस तरह से किसी भी स्पून या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसे एकदम फ्लैट कर दीजिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप किसी को खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाएंगे कि ये मेवा का पाक नहीं है बल्कि अरबी का पाक है। तो आप इस जन्माष्टमी ये नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे उम्मीद नहीं बिल्कुल विश्वास है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इजी और नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचनी चाहिए। अब यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने भूना था, बस वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से मैं ये सारे बादाम यहाँ लगा दे रही हूँ इस पर। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इसे पीसेज में कट करेंगे तो सारे पीसेज में ये ड्राई फ्रूट्स आएंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़े से काजू और लगा देते हैं हम इस पर। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है ये पाक। इस जन्माष्टमी आप भी अपने घर पर ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस पाक को ज़रूर बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अब बस बिल्कुल तैयार है हमारा अरबी से बना पाक, और अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके बर्फ़ी की शेप में पीसेस काट लेंगे, और बिल्कुल तैयार है हमारा अरबी।